Good morning students of class 6. Students in the previous class I have explained the very first poem, Mother to Son, its word meanings and the summary of the poem and the question answers of the poem. And I'm sure you all would have written in your fair notebook. Uh, today we'll start our new chapter, Nico Bobbinus. This story is full of humor and adventure.

एंड द थर्ड कैरेक्टर इज़ नाइट वॉच मैन अ मैन हु लुक्स आफ्टर द कॉलोनी ऑफ निकोबोबिनस एंड रोजी एस्पेशली एट नाइट एक रात का चौकीदार है जो क्या करता है उस कॉलोनी की देख रेख करता है इस्पेशली रात को राइट एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज अ डॉग हु टेक्स रेस्ट अंड गार्डन वॉल एक कुत्ता है जो चौथा कैरेक्टर जो गार्डन वॉल के साइड में सोया हुआ है एंड द फिफ्थ कैरेक्टर इज मैन लुक्स आफ्टर द मैग्निफिसेंट गार्डन एक आदमी है जो एक मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार एक शानदार सा बाग है उसकी देख रेख करता है ओके ना ओपन योर बुक पेज नंबर फिफ्टीन दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रोर्डनरी चाइल्ड हुट द प्राइम मिनिस्टर हिज नेम विकोबोबिनस ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अटी कॉल्ड वैनिस ही डू एनीथिंग ये जो कहानी है एक अन यूज बॉय की है असाधारण बच्चे की कहानी है जो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कुछ कहने से डरता नहीं था वो उसको भी यानी प्राइम मिनिस्टर को भी जबान चढ़ा सकता था हिज नेम वॉज निको और उस बच्चे का क्या नाम था निको था था लिव अ लॉन्ग टाइम अगो इन सिटी कॉल्ड एंड ही कुड डू एनी थिंग और वो बहुत दिनों पहले कहाँ रहता था एक सिटी वनिस में रहता था और वो कुछ भी कर सकता था अफकोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनी थिंग इनफैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोज ही न्यू एंड नो बडी टू कैनी नोटिस ऑफ एनी थिंग रोजी सैड बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड वाइल्ड आइडियाज एनी वे तो ये कह रहे हैं आगे कि ये बात पूरा पक्का है क्या नोट आ, क्या हर एक हर एक को ये बात नहीं पता थी क्या जो निकोबोबिनस है वो कुछ भी कर सकता है ओनली हिज़ बेस्ट फ्रेंड रोज़ी न्यू सिर्फ और सिर्फ ये बात किसको पता है रोज़ी जो कि निकोबोबिनस की, निको की बेस्ट फ्रेंड है उसको पता है कि निकोबोबिनस कुछ भी कर सकता है एंड नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनी थिंग रोजी सेड और रोजी जो भी जो भी बात कहती थी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था क्यों ध्यान नहीं देता था बिकॉज शी वॉज ऑलवेज़ हैविंग वाइल्ड आइडियाज एनी वे यानी उसके जो आइडियाज़ होते थे होते थे किसके रोजी के डैट वॉज सो स्ट्रेंथ बहुत अजीब आइडियाज होते थे इसलिए कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था वन डे फॉर एग्जाम्पल रोजी सेट टू निकोबोबिनस लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप मिसाल के तौर पे एक दिन की बात है कि रोज़ी ने निकोबोबिनस से कहा कि चलो तुम्हारे दरवाजे पे जो वीड्स है वीड्स मीन्स प्लांट्स प्लान्ट जो अपने आप उगाते हैं कि उस तुम्हारे दरवाजे पे जो प्लान अनवान्ट प्लांट्स हैं उसे उखाड़ फेंकते हैं लेट्स नॉट सेट निकोबोबिनस विच इज़ वॉट रोजी थॉट ही वुड से वो निकोबोबिनस ने कहा रहे नहीं नहीं और ये बात रोजी को पहले से पहले से ही पता था क्या निकोबोबिनस का यही जवाब होगा इन दैट केस रिप्लाइड रोजी लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स अब ऐसा नहीं करना है तो चलो एक काम करते हैं रोजी कहते हैं कि लैंड ऑफ लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करते हैं ढूंढते हैं डोंट बी सेड निकोबोबिनस हाउ कैन वी डू डैट अब कहना डेफ्ट मीन्स सिली फुलिश के बेवकूफ़ मत बनो कि हम वो कैसे कर सकते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स कैसे ढूंढ सकते हैं ओके बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग रोज़ी रोजी ने जवाब दिया कि अरे नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो इसलिए चलो हम क्या करते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स ढूंढते हैं सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट रोजी थ्रू लिटल पीपल्स अप निकोबोबिन शर्टा निकोबोबिनस व स्टिल हाफ अ स्लीप वन ही लुकड आउट ठीक है तो जैसे ही सुबह अभी पूरी तरीके से सुबह भी नहीं हुई थी तो निकोबोबिनस क्या करती हैं निकोबो सॉरी रोजी क्या करती है निकोबोबिनस के दरवाजे पे छोटे छोटे आ, कंकर्स फेंकने लगती है पेबल्स मीन्स स्मॉल स्टोन है ना जिसको छोटे कंकड़ बोलते हैं वो फेंकने लगते हैं निकोबोबिनस अभी, अभी अभी हा नींद में ही था पूरी तरीके से जगा भी नहीं था तो वो कंकर फेंकने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और बाहर देखता है व्हाट्स द मैटर रोज़ी ही आस्ट वो रोज़ी से पूछता है क्या बात है

सप्लायस फ़ॉर द रोड विस्पर्ट रोजी सप्लाई होता है जो जो भी सामान ज़रूरी हो सफ़र के लिए उसे बोलते हैं सप्लायज कि हम जो रास्ते में जाएँगे उस वहाँ रास्ते में खाने के लिए मैंने लेमनट्स और लेमन जूस और बंस रख ली हैं अपने साथ वेयर आर वी गोइंग आज निको बोबिनस निकोबोबिनस पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं वेयर आर वी वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स व्हिस्पर्ड रोजी डोंट यू रिमेंबर फिर से रोज़ी रिप्लाई करती है करती है कि हैं के तुम्हें पता नहीं कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स डिस्कवर करने जा रहे हैं ढूंढने जा रहे हैं ओ आई थॉट यू माइट है अबाउट दैट सर निकोबोबिनस निको बिनस जवाब देता है कि मुझे लगा कि तुम वो भूल गई होगी नो फिया सेट रोज़ी इट्स वन ऑफ़ द बेस्ट आइडियाज़ यू हैव हैड अब रोज़ी रिप्लाई करती हैं रोज़ी कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं कि ये ये जो तुम तुम्हारे जितने भी आइडियाज़ थे अब तक उनमें से सबसे ये आइडियाज़ बेस्ट हैं वट अबाउट द वीडिंग सर निकोबोबिनस कम ऑन सेडरोजी कि हम उसका क्या करना है तुम कह रही थी um, जो अनवान्ट प्लान्स हैं उसको खार फेंकना है उसका क्या करना है कम ऑन सेड्रोजी कह रहे रहने दो चलो सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन वन दे गोट टू द एंड ऑफ द नेहरू स्ट्रीट स्ट्रीट वेयर दे लिफ्ट दे मेट आ नाइट वॉच मैन हु सेट वेर आर यू टू कोइंग एट दिस आर तो वो दोनों क्या होते हैं जल्दी दोनों अर्ली मॉर्निंग घर से निकल आते हैं ठीक है जब वो वन दे गो टू द एंड ऑफ द नेहरू स्ट्रीट जब वो जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी से निकलते हैं और उस कॉलोनी की पतली सी गली से निकल जाते हैं टू फाइंड द लैंड ऑफ़ ड्रैगन्स ठीक है जब वो एंड में पहुंचते हैं तो उस वहाँ उससे कौन मिलता है नाइट वॉचमैन मिलता है वो कहता है वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आर कि तुम दोनों इतनी इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स सेड निकोबोबिनस निकोबोबिनस कहता है कि हम दोनों लैंड ऑफ ड्रैगन्स देखने के लिए जा ढूंढने के लिए जा रहे हैं यू कान डू डेट एट दिस टाइम ऑफ़ द मॉर्निंग

पहले नाइट वॉचमैन उसको पकड़ता तो वो दोनों वहां से दौड़ के भाग गए एंड दे डेंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस थ्री ब्रिजेस एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग डेट वॉज लाइंग अ स्लीप अंडर अ गार्डन वॉल रोजीज़ बॉटल ऑफ लेम smashed against the wall and the dog leaped to its feet barking as if it had thought dogs doom doomsday had arrived for a moment they were sure it was going to bite them but then it uh, noticed the two buns that had rolled into the gutter and it wolfed them down barked thank you and ran off to tell its friends उसके बाद क्या होता है कि और वो दोनों भागते रहे और तब तक भागे जब तक के तीन ब्रिजेस पार नहीं कर लिए एंट्रिप्ड ओवर मीन्स फॉलो ओवर फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भागते रहे मतलब बहुत तेज़ भाग रहे थे अपने आप को बचाने बचाने के लिए नाइट मैन से बचाने के लिए और वो इतना तेज़ भाग थे कि साइड में साइड एक छोट छोटी सी दीवार थी और उसके साइड में डॉग सो रहा था कुत्ता सो रहा था और वो उसके ऊपर जाके गिर गया यानी देखा नहीं और जाके वो जो साइड वॉल के साइड में डॉग सो रहा था कुत्ता सो रहा था उसके उससे जाके दीवार से टकरा के उसके कुत्ते के ऊपर गिर गिर गया रोजीज़ बॉटल ऑफ लेमनेट इसमैश अगेंस्ट द वॉल स्मैश मीन्स ब्रेक इंटू पीसेस तो उसकी जो बॉटल थी रोजी की लेमनेट की तो वो बॉट दीवार में टकराने की वजह से वो बॉटल टूट गई एंड द डॉग लीप टू इट्स पीट वो जो कुत्ता था अपने पैरों पे, पे खड़ा हो गया किस लिए बाकिंग एज ऐसे इट हैड थॉट डॉग्स डूम राइट वो इतनी तेज भूख रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कुत्तों की क़्यामत आ गई हो फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बैट दे थोड़ी देर के लिए उन दोनों रोजी और निकोबोबिनस को लगा कि कुत्ता उसे काट लेगा बट then इट नोटिस the टू बंस डेट had रोल्ड ऑन टू gutter एंड इट रोल्ड जैसे कि उसका बोतल टूट गया और जो दोनों बंद थे वो गिर गए तो फिर वो कुत्ता उसकी तरफ लपका और उसे खा गया थैंक यू फिर भूखते हुए थैंक यू बोला उन दोनों से एंड रन ऑफ to tell its फ्रेंड और वो कुत्ता चला गया अपने दोस्तों के पास बताने के लिए कि ये मैंने बन खाया है और बहुत मज़ा आया वी आर नॉट गोइंग टू गेट फा विदाउट सप्लाई सेट रोजी ग्लूमिली ग्लूमली मीन्स सैडली दुखी होते हुए और अफसोस करते हुए रोजी ने कहा कि हम बिना सप्लाई इसके बिना खाए पिए हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते आई वंडर इफ आई कु पिक अ फ्यू ऑफ दो सेट निकोबोबिनस गेजिंग एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल उसके बाद जो वहीं पर गार्डन वॉल था उसकी तरफ देखते हुए देखते हुए वहाँ पे सेब का पेड़ सेब के कुछ पेड़ लगे हुए थे तो वो उसकी सेब की तरफ देखते हुए निकोबोबिनस कहता है कि अच्छा होगा कि हम कुछ एप्पल वहाँ से तोड़ लेंगे अफकोर्स यू कैन सेट रोजी स्टैंड ऑन माई शोल्डर जो रोजी है उसको तो पहले से भूख लगी थी वो कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे शोल्डर पे कंधे पे खड़े हो जाओ और चढ़ के एप्पल तोड़ लो सो निकोबोब सो निकोबोबिन स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर्स एंड क्लाइंड ऑन टू दॉल बट द ट्री वॉज फार द अवे दैन ही थाट एंड एज ही रीचड आउट ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल विद द क्रैश डाउन ऑन टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही है बिन इन तो क्या होता है यानी उसके कंधे पर चढ़ के वो दीवार पर चढ़ जाता है निकोबो में ना जिस ऑन रोजी शोल्डर्स उस चढ़ जा उसके दीवार पे चढ़ता है फिर वो दीवार पे खड़ा हो जाता है बट द ट्री वॉज फादर अवे लेकिन पेड़ अभी भी पेड़ अभी भी दूर था यानी उस पर उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था एंड एज ही रीच्ड आउट जैसे वो पहुंच हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था ही लॉस्ट इज़ बैलेंस अब उस बैलेंस उसका बैलेंस बिगड़ गया एंड फेल विद अ क्रैश डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बिन इन तो वो जैसे उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो उस शानदार से गार्डन में शानदार सा गार्डन था उसके अंदर गिर गया वो बहुत अच्छा गार्डन था नहीं वो अपनी लाइफ में कभी इतना अच्छा गार्डन नहीं देखा था निकोबो निकोबोबिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल बट देयर वो नो वे ही कुड क्लाइम बैक तो वो जो ऊंची ऊंची दीवारें थी उसकी तरफ वो देख रहा था कि वापस वो चढ़ के बाहर निकल आए लेकिन उससे कोई भी रास्ता वहाँ पर नहीं मिला बट सॉरी वट एम आई गोइंग टू डू ल्टल्ट मीन्स शाउट निकोबोबी ने चिल्लाए कि अब मैं क्या करूँ यूल थिंक ऑफ रोजी थिंग बैक क्रॉसिंग हर फिंगर वेरी हार्ड तो उसके बाद uh, जो रोज़ी है वो दीवार के बाहर से कह रहे अरे तू कोई रास्ता निकालो क्रॉसिंग हर फिंगर वेरी हार्ड ये क्रिश्चियन क्रिश्चियन चंद जो लोग होते हैं जब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है जिस तरीके से अपन दुआ करते हैं वो वो लोग क्या करते हैं क्रॉस फिंगर्स करते हैं तो प्रॉब्लम में क्रॉस फिंगर करते हैं कि कोई रास्ता निकल आए ओके ओ सेट अ वॉइस बिहाइंड निकोबोबिनस एक आवाज़ आती है निकोबोबिनस के पीछे से निकोबोबिनस डेंट स्टॉप्ट लुक हु इट वॉज ही रन स्ट्रेट इनटू अ ट्री तो वो देखता नहीं पीछे कि कौन मतलब किसकी आवाज़ है वो दौड़ता ही रहता है पे, पेड़ की तरफ गॉट यू सेट द वॉइस एंड निकोबोबिनस फेल्ट फाइव थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक तो वो आवाज़ क्या कहती है कि हाँ पकड़ लिया मैंने तुम्हें उसके बाद जो पांच मोटे उंगलियां होती है यानी एक जो पावरफुल हैंड होता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है सेट निकोबोबिनस निकोबोबिनस कहता है आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू ओ सकोबोबिनस निकोबोबिनस प्रॉब्लम में हो जाता है बहुत परेशान हो जाता है आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सेट द वॉइस बाद एक हाथ से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ ने उसकी कलाई रेस्ट मीन्स कलाई पकड़ ली बट निकोबोबिनस बट निकोबोबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टू रन अवे डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैक एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड सो द मैनस लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स तो उसके बाद आ क्या होता है कि री निकोबोबिनस भागने के बजाय डबल्ड हिमसेल्फ अप अपस होता है कि शार्पली बेंट हिमसेल्फ हुआ यानी वो अपने आप को क्या किया झुका लिया है ना तो उसके झुकने की वजह से वो जो आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे टकरा जाता है और वो गिर जाता है वो किस पे गिरता है पायल मीन्स होता है ढेर पायल ऑफ लीव्स यानी पत्तों के ढेर पे वो गिर जाता है आर यू ऑल राइट कॉल रोज़ी जो बाहर साइड रोज़ी होती है वो कहती है क्या तुम ठीक हो बट शी डेंट हियर एनी रिप्लाई एक्सेप्ट फॉर द मैन हु क्रोल्ड लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता है सिर्फ उसको क्या आवाज़ आती है वो जो आदमी है जो गार्डन में था वो उसकी घुर्राने की आवाज़ आती है गुस्सा करने की आवाज़ आती है जस्ट यू वेट बोथ ऑफ़ यू तुम दोनों बस इंतज़ार करो थोड़ा सब्र करो ओ डिया सेट रोज़ी साउंडस लाइक ट्रबल एंड शी वॉज राइट और रोज़ी को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है निकोबोबिनस और वो सही भी थी सो इन दिस वे वी हैव covered the first chapter and the second chapter will complete in next class till then goodbye all the best